हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस H&B के पूरे आर्ट मटेरियल किट का, जिसके अंदर सारी ग्रेफाइट, चारकोल्स, पेस्टल पेंसिल्स, विलो चारकोल, मतलब सारा कुछ है इसके अंदर। तो बताऊंगा आपको मैं किस तरह की हैं ये, और इसका गिव अवे भी करेंगे, तो आप में से किसी एक को मिल जाएगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या और उनकी क्वालिटी किस तरह की है, और उसके बाद गिव अवे के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, ये है H&B का आर्ट मटेरियल केस, जो कि कुछ इस तरह का है। काफ़ी मोटा है, काफ़ी हैवी भी है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे मटेरियल्स हम रख सकते हैं। तो चलो गाइस, इसको ओपन करते हैं। सो यहाँ से कुछ इस तरह से ओपन होता है, तो अंदर से कुछ इस तरह का है। यहाँ पे एक छोटी सी स्केचबुक भी है, जिसको भी साइड में रखते हैं एक बार। यहाँ पे हैं ग्रेफाइट पेंसिल्स, जो कि 12 पेंसिल्स हैं। ये है 5H, तो 5H से लेके 8B तक, आई थिंक, हाँ 8B तक, 5H से लेके 8B तक 12 ग्रेड्स की इसमें पेंसिल्स हैं। और यहाँ पे ये बॉक्स है, इसके अंदर है विलो चारकोल। सो गाइस, ये हैं विलो चारकोल्स जो कि इसके अंदर है। मैं निकाल दे रहा, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। ये आई थिंक टूट रखे हैं। उससे नीचे यहाँ पर हैं ये चारकोल स्टिक्स, जो कि 3 चारकोल स्टिक्स हैं, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। एंड यहाँ पर हैं ग्रेफाइट स्टिक्स, ये भी 3 ही हैं, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। ये काफ़ी क्यूट सी हैं, छोटी छोटी। ये है एक नॉर्मल इरेजर H&B का, ये सारा H&B का ही है। और ये है नीडेड इरेजर। ये है वुडलेस ग्रेफाइट, जो कि टूट रखी है। एक 6B है और एक 8B है, दो हैं, दोनों टूट रखी है। और ये हैं 3 चारकोल, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड, कुछ इस तरह की है। और 4 हैं इसमें पेस्टल पेंसिल्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हैं। 4 कलर हैं, एक ब्लैक है, रेड ब्राउन है, सेपिया है, ग्रे है। एक है पेंसिल एक्सटेंडर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 2 हैं पेपर स्टम्प्स, साइज देख लो किस तरह के हैं, H&B लिखा हुआ है इनके ऊपर। एक है कटर, जो कि कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे है एक शार्पनर, जिसके अंदर 2 होल्स हैं, एक छोटा होल है, एक बड़ा होल है। बड़ा होल आई थिंक इसके लिए है, पेस्टल पेंसिल्स के लिए, और छोटा वाला नॉर्मल पेंसिल्स के लिए। यहाँ पे एक और शार्पनर है, जो कि इससे छोटा है, और ये प्लास्टिक का है, तो ये कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर था सैंड पेपर, जो कि मैंने पहले ही निकाल लिया क्योंकि मेरे को ज़रूरत थी, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। तो पेंसिल शार्प करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये हैं सॉफ्ट पेस्टल्स, 6 सॉफ्ट पेस्टल्स हैं इसके अंदर, और सब के सब टूट रखे हैं बीच बीच में से। और लास्ट में है ये स्केचबुक, जो कि H&B स्केच पेपर लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअल में स्केच पेपर नहीं है। ये है नॉर्मल पेपर, जो कि हमारा प्रिंट वाला पेपर होता है, वही इसकी क्वालिटी है, बिल्कुल भी रफ नहीं है, बस एवं ही लिख रखा है स्केच पेपर। सो गाइस, यही सभी मटेरियल्स इसके अंदर हमको मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी क्वालिटी के बारे में, कि किसकी कैसी क्वालिटी है। मैंने पहले यूज़ करके देख रखे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेफाइट पेंसिल्स के बारे में। तो मैंने 3 पेंसिल्स लिए हैं, एक है 5H, एक है 3B और एक है 8B। सो इसी शार्पनर से शार्प करते हैं, जो किसी के साथ में आया था H&B का। शार्प तो हो गए गाइस, बट उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं लग रहा था शार्प करने में, काफ़ी हार्ड हार्ड पेंसिल। तो चलो गाइस, अब शेड भी करके देख लेते हैं, 3B देखते हैं। अब 8B देखते हैं। सो गाइस, ये है 3B और ये है 8B, और दोनों में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा। इसकी 8B ज़्यादा स्मूथ नहीं है, इसी की तरह लग रही है, सेम। नाउ लेट्स ट्राई 5H। हाँ, ये तो बिल्कुल ही लाइट है। 8B की डार्कनेस देखते हैं प्रेशर का अप्लाई करके। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ, फिर भी ज़्यादा डार्क नहीं हो रही है। 3B को करके देखते हैं। सो गाइस, ये है 8B और ये है 3B, आप खुद ही देख लो। अगर मैं टॉम्बो की 6B यूज़ करूँ, हाँ गाइज, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बट ये बिल्कुल भी ज़्यादा स्मूथ नहीं लग रही मेरे को। अब प्रेशर का अप्लाई करते हैं इसमें। H&B की इतनी डार्क नहीं हो पा रही थी प्रेशर का अप्लाई करने पर। सो गाइज, अगर मैं ग्रेफाइट पेंसिल्स की बात करूँ, शेडिंग तो अच्छे से हो पा रही है वैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं, बट ग्रेड्स सही नहीं है, जैसे कि 3B और 8B देख सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। नाउ लेट्स ट्राई चारकोल स्टिक, एक ही ट्राई करते हैं, सॉफ्ट वाली। ये तो गाइज काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। अब ग्रेफाइट स्टिक देखते हैं, ये भी गाइस स्मूथ नहीं है, नॉर्मली हैचिंग वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इरेजर भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, काफ़ी हार्ड सा है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड सा है। सो अब चारकोल पेंसिल ट्राई करते हैं, शार्प करते हैं सबसे पहले तो इसको। सो गाइस, सॉफ्ट चारकोल तो अच्छे से शार्प हो गई है, टूटी तो नहीं एक बार भी, तो अब ट्राई करते हैं कितनी सॉफ्ट है ये। टूट गया ये तो। चारकोल भी गाइस ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है,
एंड गाइज पेपर स्टम तो सही होंगे बिकॉज इससे ज़्यादा ब्रांड का फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज सारे पेपर के ही होते हैं। एंड गाइज जो पेंसिल एक्सटेंडर है वो भी काफ़ी बढ़िया है, मेरे पास पहले भी था तो ये मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी, तो ये तो काफ़ी बढ़िया है। सो अब सॉफ्ट पेस्टल देखते हैं किस तरह का है। ये भी गाइज ज़्यादा स्मूथ नहीं है। एंड गाइज अब बात करते हैं इस केस की, तो अगर मैं केस की बात करूँ तो केस काफ़ी बढ़िया है, ये काफ़ी मजबूत है और यहाँ पे इसके ये पट्टा सा लगा हुआ है और यहाँ पे भी, तो ये काफ़ी सॉलिड है। अगर आपको अब इस तरह से अपनी पेंसिल्स रखनी है, यहाँ पे भी पेंसिल्स रख सकते हैं, जैसे पेंसिल एक्सटेंडर, मतलब सारा कुछ इसमें आप डाल सकते हैं अपना, ये वाला नहीं बट अपने जो अच्छे वाले मटेरियल्स हैं वो डाल सकते हैं। और अगर इस तरह की कोई छोटी सी आपके पास स्केचबुक है अच्छी क्वालिटी वाली तो वो आप इसमें डाल सकते हैं इस तरह से और फिर बंद कर सकते हैं। सो गाइस ऑनेस्टली बताऊँ तो इसके अंदर मटेरियल एक भी ढंग का नहीं है। पेंसिल्स दिखाई मैंने आपको, चारकोल पेंसिल दिखाई मैंने आपको, आपको खुद ही चल गया होगा पता किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। सो गाइज मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो इस तरह की आप किट कहीं से बाय करो, नॉर्मल पेंसिल्स यूज़ करो जो कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं, स्टेडलर, टॉम्बो, फैबर कैस्टल या फिर जो भी जाने माने पॉपुलर ब्रांड्स हैं वही यूज़ करो। इस तरह के आपको और बहुत जगह मिल जाएंगे, जैसे कि अमेजोन पर भी इस तरह के बहुत सारे, ओनली H&B नहीं और भी काफ़ी ब्रांड्स आते हैं चाइनीज़ ब्रांड्स जो कि आपको ऑफलाइन भी कई जगह मिल जाएंगे। सो आप ना ही बाय करो तो सही रहेगा बिकॉज काफ़ी सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, दो दो तीन 3,000 में मिल जाते हैं। अगर आप किसी अच्छे ब्रांड पे जाओगे ना, फेबर कैस्टल जैसे है 9,000, उसकी एक किट आती है पूरी, वो काफ़ी महंगी आती है, अराउंड 10,000-15,000 तक की आती है, और ये दो दो 3-3 हज़ार में भेज देते हैं सब कुछ तो ऑब्वियसली गाइस काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, बट बिगिनर्स के लिए काफ़ी बढ़िया बिकॉज इसके अंदर सब कुछ है, ग्रेफाइट, चारकोल, पेस्टल पेंसिल्स, पेपर स्टम, पेंसिल एक्सटेंडर, रेजर, नीडेड रेजर, शार्पनर, चारकोल स्टिक, विलो चारकोल, सब कुछ है इसके अंदर जो कि बिगिनर्स यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो बेसिकली ये गिव अवे उन्हीं के लिए है एक्चुअल में जो कि बिगिनर्स है, जिनको एक्चुअल में चाहिए है, तो आपने बस कमेंट करना है इस वीडियो पे कि आपको ये क्यों चाहिए और मैं रैंडमली कमेंट पिकर वाली साइड से एक कमेंट चूज करूंगा 3 दिन बाद और मैं आपको अपने व्लॉग में दिखा दूंगा कि कौन है विनर। बस सिंपली आपने इस वीडियो पे कुछ भी कमेंट करना है कि आपको ये क्यों चाहिए, और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उनको तो मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूंगा, आप मत करना कमेंट जो बिगिनर्स हैं जिनको एक्चुअल में चाहिए वो ही करना। और गाइस एक बात और मुझे कहनी थी गिव अवे से रिलेटेड जो कि ध्यान से सुनना, मतलब काफ़ी लोग ना, जैसे मैंने अभी सकुरा का गिव अवे किया था मेरे कॉम्बो पैक का, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप उनको दे दो जो डिज़र्व नहीं करते जिनके आर्ट वर्क इतने अच्छे अच्छे नहीं हैं, जो बिगिनर्स हैं आप उनको देते हो। काफ़ी लोग मेरे पास कमेंट आ रहे जो कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, उनके मेरे पास ये कमेंट्स आ रहे कि जो लोग डिज़र्व नहीं करते आप उनको दे रहे हो तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिज़र्व क्या, मान लो कोई आर्टिस्ट है, कोई बिगिनर है, वो बना रहा है और आप बना रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होगा कि वो डिजर्व नहीं करता, आप डिजर्व करते हो। कोशिश तो वो भी कर रहा है, कोशिश आप भी कर रहे हो, आपको पता है किस तरह से बनाना, आपको एक्सपीरियंस है, वो टेक्निक्स के बारे में पता है, उसको नहीं पता बट बना तो वो भी रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करता, आप डिजर्व करते हो। इन गिवअवेज में तो बस लक के ऊपर डिपेंड करता है, बस आपने कमेंट किया, रैंडमली एक कमेंट होता है वो चूज होता है, उसके हिसाब से मैं दे देता हूँ। अगर मैं देखूँ उसकी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है, उसकी नहीं है, इस तरह से मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा बिकॉज मेहनत तो सभी कर रहे हैं। तो हाँ गाइस बस यही कहना था और यही गिव अवे है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चेक करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, bangood.in डालना तो पड़ेगा, उन्होंने भेजी है तो। हाँ बस मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।